हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। तो अभी हो रहा है ईशा का स्कूल टाइम और मैं बहुत लेट हो गई, बहुत ज़्यादा, उसी को लेने जा रही हूँ। उसको लेके आती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। लुक आज अपनी हिस्टोरी सुनाई? अच्छा ओके, पैरेट उधर ही है। किधर? इधर है, दूर है। कॉकरोच का दवाई। ओके, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? अगेन आप सब अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं। तो अभी है इवनिंग टाइम, प्रीशा को स्कूल से लेके आई और अभी उसको सुला दिया है और अभी बज रहे हैं 3 और कौन सी डेट है, 30 सितंबर है आज। बहुत दिन बाद टाइम मिल रहा है आज फिर से अगेन ब्लॉगिंग करने का। तो आजकल थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, टाइम नहीं मिल पाता है। तो जो पूरा दिन है, पूरा टाइम मेरा गया प्रीशा की शॉपिंग करने में, क्योंकि प्रीशा जाने वाली है अपने दादा दादी के साथ शादी में और मम्मी पापा और जा रहे हैं, ऋषिकेश जा रहे हैं शादी में। हमारा तो, मेरा और अमित का तो कंफर्म नहीं है अभी, लेकिन प्रीशा जाएगी क्योंकि मम्मी ने बहुत ज़्यादा ज़िद करी कि हम उसे लेके जाएंगे साथ में, उसे लेके जाएंगे क्योंकि मेरा और अमित का काम है। तो मम्मी ने बोला कि वो किसके साथ रहेगी फिर, तो इसलिए हमने बोला ले जा लो। और अभी देखते हैं उसका स्कूल का भी, मैंने बात नहीं करी स्कूल में, अगर उसको 1-2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, वैसे बीच में छुट्टियाँ हैं, पर अगर कन्फर्म हो गई तो वो जाएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना उसके कपड़े वपड़े ड्रेस तो लेनी पड़ेगी ना, नहीं तो 2 तारीख को निकलेंगे या 3 तारीख सुबह को निकलेंगे। तो कल का मेरा पूरा टाइम गया उसकी शॉपिंग करने में और इस बार मैंने उसके लिए ऑनलाइन कुछ भी नहीं मंगाई, क्योंकि ऑनलाइन जो ड्रेस होती है ना उस पर फिटेड नहीं आती है या कुछ दिक्कत हो जाती है, तो इस वजह से मैंने नहीं मंगाई। और इतना टाइम भी नहीं था कि मैं मंगाऊँ और फिर एक्सचेंज कर पाऊँ अगर कोई दिक्कत आ गई, तो इसलिए मैंने ऑफलाइन शॉपिंग करी। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने उसके लिए क्या क्या लिया है, ठीक है? चलिए जिन्ना सुकून सुकून ते अखा विच मैंने अलमारी में डाल देते सारे, क्योंकि उसके ना कपड़ों में थोड़ा सा कोशिश करिए उसके लिए अच्छी सी ड्रेस लेने की, फैंसी टाइप में, लेकिन आप ज़रूर बताना कि आपको कौन सी वाली पसंद आती है, ठीक है? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इतने सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, करवा चौथ आने वाला, दिवाली आने वाली, मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा है अभी, बट मैंने ऑनलाइन चीज़ें देखी हुई हैं, मैं मंगाऊंगी ज़रूर, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा यार बिल्कुल भी ना। जब मैं सोचती हूँ कि ये लूँ, ये खरीदूँ, ये लूँ, ये खरीदूँ, तो फिर टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन प्रीशा के लिए तो मैंने टाइम निकाला बहुत पहले, मैं सुबह गई, फिर मुझे कुछ पसंद नहीं आया, फिर मैंने शाम के टाइम पे गई और फिर शाम के टाइम पे मुझे जाके एक शॉप पे पसंद आई चीज़ें, उसके कपड़े, तो वही दिखा रही हूँ मैं आपके लिए। और टाइम मैं अपनी ड्रेसेस का हॉल शेयर करती थी, आज मैं प्रीशा की ड्रेसेस का शेयर कर रही हूँ कि आप बताइएगा आपको कौन सी पसंद आई है और कौन सी बेस्ट लगेगी शादी में और कौन सी बेस्ट लगेगी रिसेप्शन में। लेकिन जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, ठीक है? जब शादी निकल जाएगी उसके बाद कमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं कौन सी वेडिंग में बनाऊँ। ये प्रॉपर है, इसका जो कपड़ा है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके साथ बड़ी प्रॉब्लम है, ये नेट में है, क्रॉप टॉप मतलब क्रॉप टाइप में है, यहाँ से कट है ये बिल्कुल, और वी शेप में कट है, ऑफ शोल्डर टाइप में ये आएगा और बहुत ही प्यारी मुझे ये लगी, बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा फ्रिल में है और अंदर से प्रॉपर इसमें कैन है और सॉफ्ट भी है काफ़ी अंदर से, मतलब बहुत अच्छा कॉटन का लगा हुआ है इसमें, कॉटन का कपड़ा, क्योंकि प्रीशा मोस्ट ऑफ द फ्रॉक नहीं पहनती है, उसको मतलब ये है कि अगर उसके लिए कोई कपड़ा चाहिए तो उसको बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, जिसमें बिल्कुल भी स्टोन ना हो, बिल्कुल भी कुछ ऐसे चुभने वाला ना, क्योंकि उसके पास इतनी ज़्यादा फ्रॉक्स पड़ी हुई हैं बट वो उनको नहीं पहनती क्योंकि उसको लगता है कि वो चुभती है उसे। अब उसे सिंपली टी शर्ट्स की, क्रॉप टॉप्स की आदत पड़ गई है, तो वो ऐसी ड्रेसेस बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द बच्चे नहीं करते हैं। लेकिन तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी, एक मैं ये लेके आई और इसका जो मुझे ना, मैंने डिसाइड किया कि इसे वो शादी में पहनेगी, अब देखते हैं शादी में, क्योंकि शादी में थोड़ा सा यू नो डार्क कलर अच्छे लगते हैं, चटकीले पटकीले वाले, है ना, तो इसलिए मैं ये वाली लाई। जो ड्रेस है ये मंगाई है मैंने, अपना फेवरेट कलर ब्लैक, और वैसे वो भी मुझे अच्छा लगता है। लुक एट द ड्रेस, थोड़ा दूर से एकदम स्लीवलेस है ये और इस तरीके के से गाउन टाइप में है, ये भी मुझे बहुत सुंदर लगा। इसका जो वर्क है ना, सीक्वेंस वर्क,
दिखने में तो सीक्वेंस है लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये, और इसका कपड़ा तो मतलब ऐसा है जैसे मक्खन होता है ना, सॉफ्ट एकदम बहुत ज़्यादा, और ऊपर से बिल्कुल स्लीवलेस है। तो मम्मी ने बोला था कि स्लीवलेस मत लाओ, वहाँ पे ठंड ना हो गई, क्योंकि ऋषिकेश में शादी है ना तो ठंड हो सकती है, बट अगर होगी तो पहना देंगे कुछ, अदरवाइज वैसे नहीं होगी इतनी जल्दी ठंड वहाँ पे। सो ये प्रॉपर है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत मुझे ये वाली फ्रॉक लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी गाइस। और मतलब बच्चों के कपड़े ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत, इसमें सबसे अच्छा मुझे क्या लगा पता है, इस पर कैप भी है, कैप को भी आप रख सकते हैं इस तरीके से, इसमें कैप भी है, कैप नहीं रखेगी वो क्योंकि कैप थोड़ा अजीब लगेगी। और ये ड्रेस तो मैं तो जान ही रही, तब देखते हैं मम्मी उसे कैसे रेडी करती है, क्या करती है, वैसे उसकी बुआ वगैरह भी जाएंगे। तो ये सेकंड ड्रेस है प्रिशा की जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, ये प्रॉपर इसमें नॉट दे रखा है और बहुत अच्छा लगा मुझे इसका कपड़ा। तो ये मैंने डिसाइड किया, मैंने अंकित को बोला कि अंकित कौन सी वाली, तो अंकित ने बोला कि ब्लैक वाली जो है प्रिशा रिसेप्शन में पहनेंगी, एंड नेक्स्ट जो मैंने उसके लिए लिया है। बच्चों के कपड़े लेते टाइम अब ये समझ आ गया कि लड़कियों के जो छोटे मतलब अगर आप बेबी गर्ल के कपड़े ले रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा, मतलब उतने में हमारे मतलब 2 महीने के कपड़े आ जाएंगे जितना में प्रिशा के ये आए, मतलब बहुत महंगा है बच्चों के कपड़े, बहुत ज़्यादा। एक मैंने लिया है प्रिशा के लिए, ये मुझे बहुत प्यारा लगा और ये प्रिशा को बहुत ज़्यादा पसंद आया, जब मैंने उस पर चेक किया ना तो बोलती थी मम्मी मुझे यही पहन के रखना है, यही पहन के रखना है, बट मैंने बोला यार 1-2 दिन बाद पहन लो कंटिन्यूसली। ये इसका टॉप है, इस तरीके से क्रॉप टॉप है ये, और ऐसे इसमें स्ट्रेचेबल है, रबड़ का इसमें लगा हुआ है, और ये इसकी स्कर्ट है, स्कर्ट, और स्कर्ट भी ना मतलब एक उसमें नहीं है, थोड़ा सा कुछ बड़े कुछ छोटे, कुछ बड़े कुछ छोटे, इस तरीके से हैं। तो बहुत मुझे ऐसे ड्रेसेस ना बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं तो छोटे में नहीं पहन पाई थी क्योंकि हम तो उस टाइम गांव में रहते थे तो इतनी सारी चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं अपनी बेटी के मतलब मैं चाहती हूँ वो पहने वो करे, तो वो चीज़ें होती है ना कि मतलब माँ बाप एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों के बच्चों को वो सपने देखते हैं, तो मतलब वैसे वो अपनी मर्जी का कर सकती है, बट कपड़े तो एटलीस्ट यार मुझे अच्छे लगते हैं, अभी जब बड़ी होगी तो वो अपनी पसंद के पहनेगी, अभी छोटी है तो मैं अपनी पसंद के उसके लिए लेके आती हूँ। सो तो ये 3 ड्रेसेस हो गई, एक मैंने सोचा कि मेहंदी की रात को पहनेगी, एक 2 फ्रॉक उसके पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, और मैंने उसके लिए लहंगे और ऐसे गाउन, तो ये ब्लैक वाला गाउन ही है, मतलब फ्रॉक भी है बट गाउन भी है क्योंकि काफ़ी लंबा है, और मैंने उसके लिए लहंगे वगैरह इसलिए नहीं लिए क्योंकि वो ना संभाल नहीं पाएगी, ऊपर से मैं नहीं रहूँगी वहाँ पे, अमित नहीं रहेंगे तो मम्मी पापा को प्रॉब्लम हो जाएगी, तो लहंगा नहीं लिया, लहंगा क्योंकि छोटे बच्चों को बहुत इरिटेट कर देता है ना, तो वो शादी फंक्शन फिर अटेंड मतलब इंजॉय कैसे करेगी अगर मैं वो लेके आ जाती, ठीक है। और फिर ये जो शॉपिंग है सारी ऑफलाइन है, मैंने अपने यहाँ मार्केट से करी है, लोकल मार्केट से, लेकिन बहुत मुश्किल से मुझे उसके लिए ड्रेसेस मिली हैं, मतलब बहुत मुश्किल से। अब यहाँ पे मैंने ली उसके लिए मैचिंग रबर बैंड्स, ये मुझे बहुत अच्छा लगा इस साइड का, ये प्रिशा अपनी ड्रेस के साथ पहनेगी, वाओ अच्छा लग रहा है, उल्टा लगा दिया मैंने, इसको इस तरीके से भी लगा सकते हो, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैंने मम्मी को बताया कि उसके कैसे लगाना है, थोड़ा सा बन बनाना है यहाँ पे और उस तरीके से इसको लगाना है, अगर वो फोटोज़ वगैरह क्लिक करेंगे तो मुझे पता चलेगा, ये बहुत प्यारा लगा मुझे। और इसके जो प्राइस है ना, कितने का मिला होगा मुझे, 35 का मिला यहाँ पे, 35-35 रुपये का, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मुझे लगा 35 का। और एक मैंने उसके लिए लिया है ये मिक्की माउस वाली क्लिप्स, एक गिर गई इसके नीचे, दिस टाइम बहुत अच्छी लगी हुई है, इसका मैंने पेयर लिया है, 2 का पेयर ये लिया मैंने। नेक्स्ट जो लिया है वो ये क्लिप मुझे बहुत अच्छी लगी, इसमें प्रॉपर जो ये वर्क है ना, ये जो है स्टड, डायमंड स्टड बोला उसने कि ये निकलेंगे नहीं, जरकन है सॉरी, और ये निकलेंगे नहीं जल्दी से, तो बस को अच्छी लग रही है ये अगर प्रिशा ब्लैक ड्रेस पे लगाएगी तो बहुत सुंदर लगेगी, क्योंकि ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन अच्छा लगा, और ब्लैक कलर में मुझे कुछ मिला भी नहीं, और फिर मुझे ये भी लगा कि सारा ब्लैक 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 हो जाएगा, तो इसलिए मैं रेड क्लिप लेके आई, अब
अगर वो प्रॉपर तरीके से रेडी होगी तो। और एक मिक्की ओटी क्यूटी से मिक्की माउस वाली उसके लिए रबर बैंड लेके आई, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगे। दैट्स इट। और ये उसके लिए अंदर के अंडरवियर वगैरह। सो ऋषा की शॉपिंग तो फाइनली डन हो चुकी है। देन अब मतलब इस पे ना वीडियो में आवाज़ की थोड़ा सा वॉइस वो आएगी, क्योंकि फ़ैन चल रहा है वो थोड़ा कट 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 अजीब सा आवाज़ कर रहा है। और उठती हूँ, जो मैंने फैलाया है उसे समेटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सारे कपड़े ऐसे फैल चुके हैं। कपड़े फैला दिए, अब इनको समेटूँगी देन संभालूँगी अच्छे से। बैग भी प्रिपेयर करना है, और बैग प्रिपेयर करने का टाइम मुझे 11-12 बजे रात लगेगा, क्योंकि आजकल मैं और अमित लेट आते हैं, क्योंकि हमारे जो वहाँ पे रामलीला चल रही है तो शॉप बंद करने का एकदम से उनको लगता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑर्डर देने आ जाते हैं कि मैम ये चाहिए, सर वो चाहिए, तो अमित वो आजकल लेट करते हैं बंद। तो हम 11-11:30 बजे शॉप से आते हैं घर। मतलब जब से अमित ने अपना काम शुरू किया था, हमारी लाइफ ना बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। तो सोचते होंगे कि इन्होंने क्या काम शुरू किया है जो ऐसे बिजी बोलती है। तो हमने फूड का काम शुरू किया है, हमारी शॉप पे सारा फास्ट फूड मिलता है, मोस्ट ऑफ़ द चीज़ें मैं और अमित ही प्रिपेयर करते हैं। लेकिन ये है कि हाँ, हम ही प्रिपेयर करते हैं, कुछ चीज़ें रेडीमेड होती हैं जो हम लेके आते हैं, बट मोस्ट ऑफ़ द चीज़ें हम ही प्रिपेयर करते हैं। तो वहाँ पे जो है ऑर्डर आते हैं, आजकल रामलीला चलती है तो लोग ऑर्डर देते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमें लेट तक रुकना पड़ता है। और कस्टमर भी बोलते हैं कि आप बहुत मतलब जल्दी में जाया करो, आजकल हमें भूख लग जाती है, जो जिन लोगों ने पार्ट लिया होता है रिहर्सल कर रहे होते हैं, कि आप थोड़ा सा लेट में जाया करें, तो इसलिए हमें रुकना पड़ता है। तो हमें मतलब 12 तो बजी जाती है, 11:30-12, तो फिर अब प्रिशा का बैग रेडी करना है, मम्मी पापा और रखी थी पैकिंग, मोस्ट ऑफ़ द हो ही गई है, अभी प्रिशा का भी करना है। तो इसीलिए मैं भी शादी में डेफिनेटली जाना था, क्योंकि अमित के मामा की लड़के की शादी है और एक ही लड़का है उनका, अमित के एक ही मामा है, जाना था हमने डेफिनेटली, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे मतलब फैमिली में ऐसा कुछ नहीं है कि क्या उनका क्या हमारा, सब साथ में होता है, बहुत मज़ा आता है फैमिली में। बट क्या करें यार, हमारी मजबूरी, इस बार हम नहीं जा पा रहे काम की वजह से, बट प्रीशा और मम्मी पापा सब जा रहे हैं, तो देखेंगे एक दिन हम ट्राई करेंगे, अगर हमें थोड़ा सा भी टाइम मिलेगा तो हम जाएंगे ज़रूर, बट वैसे पॉसिबल नहीं है। कर रहे हैं काम की मतलब अपनी शॉप की प्रिपरेशन, और मैं भी उनकी हेल्प करती हूँ। सर जाते हैं इवनिंग टाइम, इवनिंग यानी 7:30 टाइम हो रहा है, और मैं थोड़ी देर के लिए घर पे आई थी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, तो अमित का कॉल आया है कि तुम कहाँ चले गए, जल्दी आ जाओ। तो अभी फिर फटाफट से मुझे शॉप पर जाना पड़ेगा। अभी बज रही है रात की 10:30, और हम दोनों की चल रही है यहाँ पे आइसक्रीम। मुझे मैंगो वाली बहुत, क्या उसने कुछ बोला है, प्योर मैंगो या कुछ भी, प्योर मैंगो अच्छी लग रही है। लेकिन हमेशा हम वो घर पे वैनिला वाली खाते हैं ना, ये वाली अच्छी लग रही है, अमित को चॉकलेट वाली पसंद है। हमारे जस्ट बगल सामने में चल रही है रामलीला, सॉरी रामायण, रामलीला बोलेंगे ना, रामलीला चल रही है, पर देखने गई नहीं मैं अभी वहाँ पे। हम अपनी आइसक्रीम खाने आए हैं, तो आइसक्रीम इन्जॉय करेंगे। तो आज का ब्लॉग हम तो आइसक्रीम इन्जॉय कर रहे हैं, आप भी सो जाइए, गुड नाइट, अच्छे से खुश रहिए, अपनी लाइफ इन्जॉय कीजिए, और इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज़।